कल माननीय प्रधानमंत्री जी सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ लगभग 6 घंटा चर्चा की, विस्तार से चर्चा किए। सभी माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश के समस्याएं भी रखी और आवश्यकताओं के बारे में माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रियों को अपनी भावनाओं से अवगत कराया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर विशेष पैकेज की मांग की थी, खासकर जो लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, व्यापार, उसे संचालित करने के लिए आर्थिक पैकेज की मांग उन्होंने कही थी। छत्तीसगढ़ की ओर से भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को अनेक बार पत्र लिखे और कल वीसी में भी इस बात का मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक पैकेज के रूप में 30,000 करोड़ रुपया दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी में लाया जा सके। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कल अब वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। राज्य सरकार को भी इसमें कितना मिल पाया है, क्योंकि राज्य सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे सिंचाई योजना हो, चाहे PWD के सड़क के निर्माण का है, सामाजिक क्षेत्र में और विकास कार्य में कितना अनुदान या सहयोग मिलता है, ये कल ही स्पष्ट हो पाएगा। सर, लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई तक हम बता देंगे किस तरीके का नया लॉकडाउन होगा, लेकिन जिस तरीके से स्टेट से सुझाव आए हैं उन्हीं के सुझाव के आधार पर लॉकडाउन आगे बढ़ाया। हमने कल ही प्रधानमंत्री जी से कह दिया था कि ये रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, इसे डिक्लेयर करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए। राज्य के भीतर गतिविधि संचालित करने का अधिकार भी राज्य सरकार को होना चाहिए। राज्य के सीमाओं को निश्चित रूप से सील किया जाए, लेकिन हवाई यात्रा और रेल यात्रा के लिए राज्य सरकारों से सहमति होनी चाहिए। ये बात भी अनेक मुख्यमंत्रियों ने कही, मैंने भी ये बात कही थी। सर, आखिरी प्रश्न, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था सर, उन्होंने ये कहा कि जो भी श्रमिक लोग सड़क पर चल रहे हैं, मोदी जी आज ये घोषणा करें कि वो सुरक्षित अपने घर पहुंचें और उनके सबके अकाउंट पर लगभग 7,500 कम से कम उनके अकाउंट में आना चाहिए। मैं राहुल जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के मध्य में पड़ता है और इस कारण से जो उत्तर भारत के जितने श्रमिक दक्षिण गए थे, वो सारे श्रमिक पैदल चलते हुए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ क्रॉस करके अपने प्रदेश जा रहे हैं, चाहे वो मजदूर तेलंगाना के हो, आंध्र प्रदेश के हो, चाहे तमिलनाडु को हो, चाहे महाराष्ट्र को हो, उनका गंतव्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी वहाँ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, उन मजदूरों को हमने तीनों IG को उस काम में लगाया हुआ है। दुर्ग के, रायपुर और बिलासपुर संभाग के सभी IG के देख रेख में जितने भी मजदूर आ रहे हैं, उनके परिवहन की व्यवस्था और भोजन और पानी की व्यवस्था हम लोग सड़क किनारे जितने थाने हैं उसमें सब हम लोग करा रहे हैं। लेकिन बहुत भयावह स्थिति है, पूरे परिवार के साथ, पूरे बच्चे को गोद में लेकर, सर में बोझा लेकर वो पैदल सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं और ये बेहद दर्दनाक स्थिति है। इस मामले में भारत सरकार मौन है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम राज्य के सीमित संसाधन से, हमारे अधिकारी अन्य कार्यों में भी लगे हुए हैं, यहाँ के प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ साथ जो कोरोना
के लिए लड़ने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरे प्रदेश के जो मजदूर यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और अपने राज्य में जा रहे हैं उनकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए।